हेलो स्टूडेंट्स मैं से डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट ओवरव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल एनवलप और उसके मोडिफिकेशंस तो वन बाय वन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वेरियस सेल ऑर्गेनाइज लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रो सेल का जो सेल एनवलप होता है उसका स्ट्रक्चर और उसके मोडिफिकेशन्स जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेल एनवलप तीन लेयर से बना होता है आउटर क्लाइकोकैलिक्स मिडल सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशंस पढ़ने के लिए आपको एन पेज नंबर वन ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी नाइन रेफर करना है जैसा एन लिखता है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स है वो केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप जो टाइटली बाउंड प्रोटेक्टिव यूनिट बोलकर काम करता है जो तीन से बना होता है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है ग्लाइकोकैलिक्स वो डिफ़र करती है कंपोजिशन और थिकनेस में अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया तो वेरियस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन मतलब वो कौन से केमिकल से बनी है वो पार्ट और उसकी थिकनेस वेरी करती है मतलब चेंज होती है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोकैलिक्स इज़ अ स्टिकी लेयर ये एक क्वेश्चन बनता है ग्लाइकोकैलिक्स इज स्टिकी इन नेचर अगर वो लूज फॉर्म में अरेंज है तो उसे कह, कहा जाता है स्लाइम लेयर तो याद रखना लूज फॉर्म में अरेंज है तो स्लाइम लेयर एंड इफ़ इट इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ थिक एंड टफ स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल मेनली अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल तो आप क्या याद रखोगे लूज शीट ग्लाइकोकैलिक्स तो स्लाइम लेयर थिक टफ ग्लाइकोकैलिक्स तो कैप्सूल अब के वी पी वाई एग्जाम के लिए या आउट ऑफ एनसीआर टी पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए एक पा पार्ट क्या स्लाइम लेयर मेनली एसिडिक अमिनो एसिड्स से बनी होती है तो जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे वाटर अमिनो एसिड्स वाटर एसिडिक अमिनो एसिड्स लेकिन अभी के लिए थेरोटिकली आपको याद रखना है कि स्लाइम लेयर इज कॉल्ड एस एस लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड्स आपने स्कूल में पढ़ाऊंगा अमाइनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ प्रोटीन्स डिटेल हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में तो ग्लाइकोकैलिक्स लूशित तो स्लाइम लेयर थिक तप तो कैप्सूल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्लाइम लेयर इज अप ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड ठीक है उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट सेल वॉल सेल वॉल का फंक्शन है टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू द प्रोकैरियोटिक सेल it determines the shape of the cells and also provides a strong support to prevent bacteria from bursting or collapsing. ठीक है तो बैक्टीरियल सेल को वो प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स से बना होता है जैसे इट कुड बी मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लायकॉन इट कुड बी मेड अप ऑफ सुडो पेप्टाइड ओग्लाइकॉन अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज अ बायोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ प्रोटीन पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकॉन मतलब वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स तो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का जो ग्लाइकॉन वाला पार्ट होता है इट कुड बी अ केमिकल कॉल्ड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड अब बेटा ये एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन क्या है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड क्या है ये आप केमिस्ट्री में मेनली पढ़ोगे और अपने बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल इज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आज के लेक्चर के लिए आपको थेरोटिकली ये पॉइंट आपके एन पेज नंबर वन पर नोट डाउन करना है क्या सेल वॉल मेडअप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकॉन मीन्स कार्बोहाइड्रेट लाइक एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एन एन एसिथिल एसिड इज प्रेजेंट इन यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया भी होते हैं और शियन बैक्टीरिया भी होते हैं तो यू बैक्टीरिया को कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है से ठीक है है अब ट्रू बैक्टीरिया बैक्टीरिया और का जो दो डिवीजन या जो क्लासिफिकेशन है वो हमें डिटेल में पढ़ना है इन द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो जैसा मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी कहा था सब जो सिलेबस है वो लिंक्ड है तो हम जैसा सिक्वेंशियल पढ़ेंगे तो आपको आगे अंदाज आएगा तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये स्लाइड में कितने पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं क्या पेप्टाइडोग्लाइकॉन ट्रू बैक्टीरिया में होता है ट्रू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया भी कहते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल वैसा ही एंशियन बैक्टीरिया जिसे आर बैक्टीरिया भी कहा जाता है उसमें सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होता है उसमें दूसरा बायोमोलिक्यूल होता है जिसे कहा जाता है सूडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन कभी भी याद रखना ग्लाइकॉन ये वर्ड आया मतलब इट इज़ रिलेटेड विथ शुगर या कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन तो और एक बार रिवाइज करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन ट्रू बैक्टीरिया सूडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन एंशियन बैक्टीरिया अब जब हम जैसा मैंने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा तो जब मैं आपसे ये पूछूंगा क्या ट्रू बैक्टीरिया और एंशियन बैक्टीरिया इन दोनों बैक्टीरिया का सेल वॉल कौन से रिस्पेक्टिव बायोमोलिक्यूल से बना होता है ठीक है फिर जैसा स्लाइड में लिखा है कुछ बैक्टीरिया में पोरेंस नाम के प्रोटीन्स होते हैं सेल वॉल में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल में मदद करते हैं पोरिंस, ओके okay? तो हमने दो पार्ट पढ़े अभी ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। अब हम पढ़ते हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और उसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है इन बायो द वर्ड लेमा मीन्स कवरिंग ठीक है फिर ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है मतलब इससे कुछ सब्सटेंस पास हो पाते हैं कुछ सब्सटेंस पास नहीं हो पाते एंड दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल इज सिमिलर टू यू कैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ये पॉइंट आपको एन में भी मिलेगा इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यू कैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी डिफरेंट बायोमोलिक्यूल से बनी होती है जैसे लिपिड्स प्रोटीनस और कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो हमने सेल एनवेलप के तीनों लेयर पर लिए ग्लाइकोकैलिक्स वॉल और प्लाज्मा में उड़े। अब ये जो सेल एनवलप रहता है डिफरेंट बैक्टीरिया में ये थोड़ा डिफरेंट रहता है और उस बेसिस पर ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर करके बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आई विल रिपीट ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंसेस इन द सेल इनवलप एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये ग्राम साइंटिस्ट का नाम है उस उन्होंने ये डिस्कवर किया था इसलिए इसे इस प्रोसीजर को कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग जो आप हायर क्लासेस में माइक्रोबाइलॉजी नाम के सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो बेटा अभी हम पढ़ते हैं अबाउट ग्राम स्टेनिंग ये आपने एन में सिर्फ मेंशन किया है कि अब बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव लेकिन ये प्रोसीजर नहीं लिया है तो ये प्रोसीजर आपको नोट डाउन करना है तो जैसा ये प्रोसीजर दिया है वैसा ही फ्लो चार्ट आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है तो बैक्टीरिया का जो सैंपल होता है उसको लेकर क्रिस्टल वॉयलेट नाम के स्टेन से उसके वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है तो आपको आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यह पता होना चाहिए क्या बैक्टीरिया प्लस वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉलेट ये जब प्रोसीजर होती है क्रिस्टल वॉलेट का कलर होता है ब्लू सो बैक्टीरिया पिकअप द ब्लू कलर फिर माइक्रोस्कोप में जब हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे दे विल अपीयर ब्ल्यू इन कलर तो यह ब्ल्यू कलर उनके सेल एनवलप में जाता है इसलिए दे अपीयर ब्ल्यू मेनली यह प्रोसीजर है रिलेटेड विद द सेल एनवलप उसमें का भी सेल वॉल सो द सेल वॉल विल अपेयर ब्ल्यू आफ्टर दिस प्रोसीजर ठीक है जैसा मैंने यहाँ लिखा है फिर उसको ट्रीट किया जाता है पॉइंट फाइव परसेंट आयोडीन सोल्यूशन से ताकि वो कलर प्रॉपरली वॉल में फिट हो अपने लेवल पर आपको बेटा इतना ही याद होना चाहिए जब आप हायर क्लासेस में ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँगे तो आपको ऑल डिटेल में पढ़ने को आएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना पता होना चाहिए आफ्टर एडिंग पॉइंट फाइव परसेंट आयोडीन सोल्यूशन दिस स्लाइड ये जो स्लाइड है जिसपे हमने इस्टेन और बैक्टीरिया को मिक्स किया है उसको वॉश करते हैं विथ वाटर एंड देन विथ एसीटोन और एप्सुलुट अल्कोहल वॉश करने का कारण यह होता है या वॉश क्यों करते हैं टू रिमूव द स्टेन ओके okay. तो पहले से जाते हैं बैक्टीरिया को वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट किया बैक्टीरिया ने ब्लू कलर पिक कर लिया फिर उसको 0.5 फाइव परसेंट आयोडिन सोल्यूशन से भी पिक आ, किया ट्रीट किया एंड फाइनली इट वॉज वॉश विथ वाटर एंड देन एसिटोन और एप्सोलुट अल्कोहल अब क्या होता है वॉशिंग करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ प्रकार के या कुछ टाइप के बैक्टीरिया आफ्टर वॉशिंग आल्सो दे डोंट लूज द स्टेन दे डोंट लूज द स्टेन मतलब वाटर और अल्कोहल से वॉश करने के बावजूद दे स्टिल रिमेन पर्पल या ब्लू उनकी सेलवॉल में से स्टेन निकलता नहीं है इवन आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर और अल्कोल ऐसे बैक्टीरिया द बैक्टीरिया विच रिटेन द ब्लू पर्पल कलर आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ठीक है जिनमें से स्टेन निकला नहीं उन्हें कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो दूसरे बैक्टीरिया जो वॉशिंग करने के बाद स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते उनका स्टेन धुल जाता है उनके सेल वॉल में से स्टेन निकल जाता है बैक्टीरिया विच डोंट रिटेन एनी स्टेन एंड बिकम कलरलेस एंड बिकम कलरलेस आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकम कलरलेस ठीक है फिर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कलरलेस हो जाते हैं आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल उनका स्टेन निकल जाता है उनको काउंटर स्टेन से ट्रीट करते हैं कोई ऑरेंज कलर के स्टेन से या रेड कलर के स्टेन से ट्रीट करते हैं देन दे अपियर रेड लेकिन उत्तर डिटेल में हमें नहीं जाना है आपको पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया स्टेन लूज कर देते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया स्टेन लूज नहीं करते दे आर ग्राम ग्राम पॉजिटिव अब जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेलवॉल में लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है और वो एसिटोन या अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है इसलिए वो स्टेन धुल जाता है यस वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते तो क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते ऐसा अगर आपको पूछते हैं नीट में तो आपको कहेंगे ड्यू टू तो हाई लिपिड कंटेंट इन देयर सेल वॉल ठीक है तो जब हम आगे बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आपको कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ने को मिलेंगे कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इन टू टाइप्स दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन वेदर डे रिटेन द स्टेन और दे डोंट रिटेन द स्टेन द बैक्टीरिया विच रिटेन द कलर आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड विच डू नॉट रिटेन द करर आर कॉल ग्राम नेगेटिव अब नीट में इसमें कैसा सवाल आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अगर सिंपल सर्वाल आया तो वो पूछेंगे वॉट इज द क्राइटेरिया टू क्लासीफाई तो दैट इज ग्राम स्टेनिंग बट इन विच ऑर्गेनज दिस स्टेन एक्ट्स ऑन द सेल एनवेल्प और डिटेल में पूछा तो सेल एनवल्प के भी कौन से पार्ट में सेल वॉल में क्योंकि सेल वॉल में अगर लिपिड कम रहेगा तो स्टेन निकलेगा नहीं और लिपिड ज्यादा रहेगा जैसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है तो स्टेन निकल जाता है सो दिस इज अबाउट ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू अब हम पढ़ेंगे मोडिफिकेशन ऑफ सेलनवल तो पहले उसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट मिजोसोम इसके लिए आपको एनसीआरटी पेज नंबर वन और वन रेफर करना है जैसा एनसीआरटी लिखता है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मिजोसोम ज फॉर्म बाय इनग्रोथ या एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल तो ये किससे बना है बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम में भी देखा था दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूबिल्स और लैमिले अलग अलग शेप के ये होते हैं उनको तीन अलग नाम दिए है डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं आपको पता होना चाहिए वेसिकल्स थोड़े गोल रहते हैं दे आर स्पेरिकल ट्यूबेल्स और लैमिले दे आर लाइक। लेकिन थोड़ा इनमें डायमेंशन में डिफरेंस होता है इसलिए तीन अलग नाम दिए हैं। वेसिकल्स जो गोल रहते हैं और लाइक रहते हैं ट्यूबल्स और लैमिले दीज आर एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल या प्लाज्मा मेमरेन यहां पर क्वेश्चन बनता है दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेमरेन इनका फंक्शन क्या है जैसे एन लिखता है दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दे हेल्प इन रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए डी एन ए जब डबल होता है जो हम सेल डिविजन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे समझो डी एन ए पहले रहा टू सी सी इज़ द डी एन ए वैल्यू तो एक टाइम आता है जब डी एन ए डबल हो जाता है और बन जाता है फोर सी तो टू सी का फोर सी होना दैट इज़ डबलिंग टू सी का फोर सी सी इज़ द डी एन ए वैल्यू तो यह डी एन ए वैल्यू या डी अमाउंट को डबल करने में मिजोसोम से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसे कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन वो रेस्पायरेशन में भी मदद करते हैं एनजामेटिक सिक्रीशन में भी मदद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं ओके ये सब पिन पॉइंट पॉइंट्स आपको एन से नोट डाउन लर्न करने हैं नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं आपके एन में आपको मिलेंगे क्या वो सेल वॉल बनाते हैं डी को रेप्लीकेट करने में और डीएनए को जो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं आफ्टर सेल डिवीजन उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं मतलब डीएनए एन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए डॉटर सेल्स में उस उसका फंक्शन म्यूजोसोम परफॉर्म करते हैं रेस्पायरेशन भी करते हैं कुछ एंजाइमेटिक सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये सब पॉइंट आपको मिलेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 129 पर ठीक है अभी आउट ऑफ़ एन जो यहाँ पर लिखा है पॉइंट वो आपको नोट डाउन कर लेना है ये याद रखना है सेप्टल और लैटरल ऐसे दो टाइप के म्यूजोसोम होते हैं अब सेप्टल म्यूज़ोसोम की क्या इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है क्या वो न्यूक्लियोइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ कर लगते हैं जो मैं डायग्राम के मदद से आपको बताऊंगा अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सेप्टल म्यूजोसोम ऐसे एक्सटेंशंस बनते हैं और वो एक्सटेंशन न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जॉइन करने में मदद करते हैं सो सेप्टल मिजोसोम जो मैं अभी रेड मार्कर से हाईलाइट करके रखता हूँ दैट इज मेनली सेप्टल मिजोसोम ठीक है तो दे कनेक्ट्स न्यूक्लियोइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है क्या जैसा मैंने कहा रेप्लिकेशन ऑफ डी में वो मदद करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है अपने एनसीआरटी में मिजोसोम्स के टाइप नहीं मेंशन किए बेटा उनको ब्रॉडली उसका फंक्शन बताया है तो अगर आपको नीट में पूछते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डी में कौन हेल्प करता है तो आप कहोगे मिजोसोम लेकिन ऑप्शन में डिटेल में पूछते हैं सेप्टल मिजोसोम हेल्प करता है या लैटरल तो आप कहोगे सेप्टल मिजोसोम ठीक है तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है फिर लैटरल म्यूजोसोम जो होते हैं उनकी एबिलिटी होती है क्या वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं और उन्हें कॉन्ड्रॉयड भी कहा जाता है एंड दे आर सेट टू बी इक्वल या इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यू जैसे हमारे मतलब यू सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पिरेशन के लिए वैसा ही बैक्टीरियल सेल में होता है कॉन्ड्रॉयड या लैटरल म्यूजोसोम फॉर रेस्पायरेशन तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं तो आज हमने पढ़ा मिजोजोम के बारे में इम्पोर्टेंट मोडिफिकेशन ऑफ सेल एनवलप मेनली इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरे मॉडिफिकेशंस जैसे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस करने वाले क्रोमेटोफोर्स मूवमेंट करने वाले फ्लैजेला और दूसरे दो इम्पोर्टेंट मोडिफिकेशंस पिलाए और फिमरे आज आपको होमवर्क करना है और वो हमें सेंड करना है व्हाट्सएप पर होमवर्क है आपका क्या वो जो डायग्राम प्रीवियस लेक्चर का डायग्राम आपको सेंड करना है और आपको ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर का फ्लो चार्ट ड्रॉ करके सेंड करना है हमारे एकेडमी ऑफ बायोलॉजी के व्हाट्सएप नंबर पे ठीक है So, this was about today's lecture. Thank you, students.